सो गाइस ये मेरे सारे व्लॉग देखती है, कौन सा नहीं देख पाई? वो जिसमें आपने मेरे को स्कूल से पिकअप किया था। ओह वो तो मैंने भी डाला ही नहीं है। तो सो गाइस ये मेरे सारे व्लॉग देखती है, तो तेरे लिए गिफ्ट पक्का है। क्या गिफ्ट चाहिए मुझे बता दी, कमेंट्स में बताना गिफ्ट क्या चाहिए, ठीक है? घर भिजवा दूंगी, अपने हाथों से दूंगी तुझे। तो मैं गाइस ये भूमि है, इसकी मम्मा ने इससे कहा चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट ले आओ, तो ये पूरे पैकेट उठा लाई। सो हेलो गाइज, आज मैं जिम आई हूँ। मैं जिम करूँगी, बहुत सारा जिम नहीं करूँगी, तो चल रहे हैं ना बस ट्रेडमिल पे। मुझे यही वाला पसंद है और मैं यही करूँगी बस, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है साथ में इसलिए। मम्मी यहाँ पे, यहाँ के जिम ट्रेनर हैं रेड टी शर्ट में, नाम मुझे पता नहीं, बाद में बताऊँगी। ये मेरी फ्रेंड है, उनका नाम है निशी, नंदिनी की मम्मा है ये। यहाँ पे सब जिम कर रहे हैं और अब मैं भी स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे सर मुझे सिखा रहे हैं कि जिम कैसे करना है, ट्रेडमिल पे कितनी स्पीड मेंटेन करनी है। पता है मेरी क्या गलती की, कि इमरजेंसी ब्रेक हटा हुआ था और मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो अभी जो है ना डेली मैं जिम करना स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा भी जो वज़न है वो 73 किलो है। मेरा जो वज़न है वो 73 kg है, और अभी जो जिम ट्रेनर है वो मेरा वज़न कम करवा देंगे, कह रहे हैं 60 तक पहुंचा दूंगा आपका वज़न मैं। लेट्स सी, देखते हैं कब तक पहुंच जाऊंगी मैं 60 तक। और मैं आपको डेली व्लॉग में दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ जिम में, थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए हेल्थ टिप्स जो होंगी वो जिम ट्रेनर देंगे, मैं नहीं दूँगी। जो जिम से रिलेटेड जो हेल्थ टिप्स है वो ट्रेनर देंगे। सी आपकी स्पीड कितनी है? 5.5। ये मेरे को भी इतनी करनी है। सो गाइज मेरी स्पीड हो गई है 5.5। बहुत स्पीड बढ़ गई, बहुत स्पीड बढ़ गई यार। अब तो भागना पड़ रहा है। जो मैंने अभी करी है डंडे वाली, वो मैं अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? ना ना अभी नहीं, फिर कब? वक्त का खेल है, वक्त का खेल है। आप कह रहे हो कि एक महीने के बाद सच में मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक महीने बाद तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वर्कआउट होता क्या? अच्छा एक महीना लगेगा इस चीज में। ओए चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़, तोता उड़। सॉरी, एक महीने बाद हम भी उड़ेंगे। बहुत भारी है। आप कैसे कर रहे थे? अभी शुरुआत है, अभी छोड़ना है। मुझे ना बड़े मजे से कर रहे हो यार। देखो पहला दिन आखिरी दिन ना बन जाए इनका। किलो का है सनी देओल का? 2.5 किलो का हाथ है ये। ये साइड लैटरल रेज का चिड़िया उड़ा दी इन्होंने। 2.5 किलो हटा के अभी बिल्कुल फ्री हो गए हाथ, और चिड़िया जल्दी उड़ रही है। पहले चिड़िया का वाला सारा था उड़ने में, अब चिड़िया फटाफट उड़ रही है, कभी इधर कभी उधर। चिड़िया के साथ साथ तोते भी उड़ जाते हैं यार। तोते मोर तोते सब उड़ेंगे यहाँ पे। हाँ कंटिन्यूअसली ना, मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही कुछ चीज़ पसंद है, ट्रेडमिल, उसके अलावा मुझे नहीं कुछ पसंद। बाकी मुझे योग एक्सरसाइज पसंद है। हाँ मेरा फ़ोन और कैमरा मुझे पसंद है बस। पता है मुझे क्या पसंद है? योगा करना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, ये डंबल वम्बल ये मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि जो ये जिम वगैरह है ना, जैसे ये कर रही हैं सब, अब जो ऋषि कर रही है, मुझे लग रहा है ये जिम वगैरह सिर्फ आदमियों के लिए बना है, लेडीज़ के लिए तो शायद योगा, डांस, जुम्बा ये सब बना है, जो मुझे भी पसंद है। क्या करूँ? ओ भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये तुम 5 किलो ये आप लोगों के लिए बनाया भैया।
ये देखो छोटा सा बच्चा, कितनी मेहनत करते हैं यहाँ सब लोग। भाई ये क्या हो रहा है, जिम में बैठने आए हो, काम करो, मेहनत करो। मस्ती करती है, इनके बस की नहीं करता। मस्ती करने आए हो जिम में? करो करो करो, मेहनत करो मेहनत। 25 किलो वैसे तो कर दो। 25 किलो इसमें भी किलो होता है क्या? मुझे लगा बस बैठ के पैर ऊपर नीचे करने होते होंगे। अच्छा बैठ के करके देखो ना, पता चल जाएगा तुमको। अभी कितना किलो हो गया अभी? 20 किलो। ओ भाई 20 किलो, तो मैडम अभी 20 किलो करेंगी। मजा आ रहा है? 100 किलो कर सकते हो? किन जल्दी हाँ बोला एकदम से। ओ माय गॉड कितना भारी है 20 किलो का। यार मुझे लगा खिलौने हैं ये। हाँ खिलौने हैं, वही तो खिलौने हैं। 20 किलो भी नहीं हो रहा, 10 किलो भी नहीं हो रहा, मैं तो पैरों में दर्द हो रहा है। 10 किलो ओ हो हो हो, मैं 100 किलो कर रही हूँ यार। ये लोग चाहते हैं मैं दोबारा मलाइका की तरह चल के आऊँ ऐसे। मलाइका ऐसे क्यों चलेगी? आज मलाइका अरोड़ा हमारे जिम में आई है, मैं दिखाती हूँ आपको। सस्ती वाली मलाइका अरोड़ा आई है जिम में हमारे आज। ये देखो भाई, और कितना इजी है ये, आगे पीछे आगे पीछे। गेम लग रहा मुझे तो ये। ये खिलौने बड़े आसान है पर करना मुश्किल है, इनको देखने में तो मजा आ रहा है। सुनो ये क्या कह रही है, मैं टैक्सी ड्राइवर बनना चाहती हूँ। यस सर। इधर बताओ, कहना हो तुम इधर देख के बात करो। सर मेरे में सारे गुण हैं वैसे टैक्सी ड्राइवर वाले, तो यही मैंने सोचा कि मैं ओला उबर रैपिडो को ज्वाइन करूं। और बाइक चलाओगे? बाइक क्यों चलाऊंगी, मैं टैक्सी चलाऊंगी। अच्छा yes. वैसे क्या गुण है आपके अंदर ड्राइवर वाले? ड्राइवर वाले सारे गुण है, जैसे एक अच्छी ड्राइवर हूँ मैं, 4-5 एक्सीडेंट ही हुए हैं सिर्फ मेरे ज्यादा। और मेरे लास्ट एक्सीडेंट में सिर्फ होंडा सिटी के दोनों एयरबैग खुले थे, वो मैं चेक कर रही थी कि क्या वो खुलते हैं, चलते हैं, वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं। और व्हेन आई वाज ड्रंक, और एक बार मैंने पी रखी थी, एक बार पी रखी थी तो क्या हुआ था, शी वाज वेरी गुड ड्राइवर राइट? या फिर जब ड्रंक करा था फिर क्या हुआ था? तो बस मैं चेक कर रही थी कि एयरबैग खुलते हैं कि नहीं। देखा मैंने तो पावर, कितने अच्छे ड्राइवर है। ओला उबर रैपिडो, आपको इस ड्राइवर की जरूरत है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें। कभी भी किसी को ये शक हो कि इस ब्रांड की गाड़ी के एयरबैग खुलते हैं कि नहीं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो टेस्टिंग करनी है तो भाई मलाइका अरोड़ा से कॉन्टेक्ट करें, नकली मलाइका अरोड़ा से। सस्ती नोट, नकली और सस्ती मलाइका अरोड़ा से कॉन्टेक्ट करें। मैं लेकिन सस्ती हूँ। सस्ती है और असली है, वेरी गुड। ओला उबर रैपिडो में से कौन सी कंपनी में ड्राइविंग की पोस्ट ज्वाइन करना पसंद करेंगी? मैं खुद की कंपनी खोलने का सोच रही हूँ। अभी तो आप ड्राइवर बन रहे थे, ये जल्दी खुद की कंपनी खोल रहे हो। आप जैसी लेडीज का उद्धार करना चाहती हूँ। अच्छा, आप हम जैसी यार, ये ना हम जैसे सब लेडीज को जॉब देंगे। कुछ बड़ा करना चाहती हूँ ये, हम जैसे गरीबों का भला करना चाहती है भाई। लो दोबारा करो भाई। जय हो मलाइका अरोड़ा की। तुम लोगों को ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो 2-व्हीलर में साइकिल चलाएगी और एक महिला दूसरी महिला को साइकिल पे लेकर जाएगी। ये देखो डांस सिखा रहे हैं भाई। दोबारा कम ऑन वन मोर टाइम। ये भाई आज पूरी मलाई करोड़ा बन के जाएगी यहाँ से। बचपन में दो बूंद कम रह गई। पोलियो ड्रॉप्स, दो बूंद जिंदगी की। तुम्हें तो मैं बताऊंगी।
रोस्ट करने वाला हूँ क्या? ये रोस्टर बनेंगे, रोस्टर ये दोनों जिम जाती हैं। इन मोनिका को मोटा होना इसलिए जिम जाती है, और मुझे आपको क्या होना है? मुझे कुछ नहीं होना इसलिए जिम जाती है, क्योंकि कुछ नहीं होना। मोनिका ये हमें फेमस कर देगी, पता? चलो तो हमें कहीं से भी तो पहले से वो बता तो रही है औरतों के बारे में। यार मुझे सबसे बेकार काम लगता है जिंदगी का खाना बनाना। और ये पता नहीं किस @ ने लिखा कि औरतें खाना बनाएंगी। एक्चुअल में वहाँ दोनों का नाम लिखा था, पर पता नहीं किस चालाक आदमी ने जाके मिटाया अपना नाम, इरेजर यूज किया होगा। हाँ यस, और वहां से अपना नाम इरेज करके वहाँ ओनली वुमन लिखा रह गया। अब औरतें बना दी, और ऊपर से आदमी ऐसे जब बोलते हैं ना, तुम्हारे हाथ का खाना, अरे तुम्हारे हाथ में बहुत हाथ में भी उतना ही टेस्ट है, तू बना के तो देख, तू खिला। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। अरे भैया तू भी बनाएगा, बनाना सीखेगा तो तू बनाएगा ना, हमें भी तेरे हाथ का बहुत टेस्टी लगता है। आपको बनाएगा ही नहीं कभी, और हमें ही बोलता रहेगा तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारे हाथ में जादू है यार। आज तो मेरी जबड़ों की एक्सरसाइज भी है, भाई इतने सालों से ये बोल बोल के तुम्हारे हाथों में जादू है। अब हमें सब पता चल चुका है, सच्चाई पता चल चुकी है हमें, ये कोई जादू नहीं है, एक्चुअली हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है जादू के नाम पर। उसके पैर ले लिया, इसके जबड़े दुख गए उसके। आप हम लोग बड़े हो चुके हैं, ओ ये वाला काम कर दिया तुमने, वाओ ये तुमने कितना, हमें नहीं पता था उसके पीछे ये साजिश है कि तुम और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, और यार बस कौन सा फ्लोर आ गया। एक काम पे तुम्हें शाबाशी देना तो तुम्हें ऐसे बोलना है, मम्मी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं है शाबाशी, पहले भाई को भी दो। ऐसे बोले ना अगर, वाह बेटा तूने कितना अच्छा कर, उसके मतलब समझ जाना कि वो दोबारा कराना चाहते थे। तुझे तो काम हमेशा खराब ही करते हैं, अपने बच्चे और इनको तो हमें फंसाया तो हम ना फंसाए, वो ही तो नहीं करना है ना यार, परंपरा तो निभानी पड़ेगी, नहीं कैसे समझ आया कि यार जिंदगी बीत गई पूरी खाना बनाते बनाते। बचपन में मम्मी पापा बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ वो जानबूझ के ऐसे हैरेसमेंट था ही हमारे साथ। हाँ कभी आदमी को नहीं बोला कि बेटा तूने अच्छा खाना बनाया, आगे बनाई वाली रोटी।